तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक मेरे पास सैमसंग का ये A12 मॉडल है, 127 F। तो गाइस, ये किस प्रॉब्लम में आया हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें जो है हमारा लाइट, डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। तो गाइस, जहाँ मैंने इस पर ढूंढा है, तो ये क्या था इसमें जो हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक सेकेंड। तो इसमें जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एक बार और उस पर देखते हैं। हेलो, तो गाइस, जैसा कि इसमें मैंने चेक किया, तो मुझे एक सप्लाई मिसिंग मिली, जो कि हमारी बी वैट वाली लाइन है। गाइस, यहाँ से देखें आप, जो हमारा बी वैट निकल रहा है, ये यहाँ तक सप्लाई हमारी वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रही थी। बट गाइस, जो यहाँ पे ये दो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, एक ब्लैक और है, एक वाइट गोल्डन टाइप का है। तो ये यहाँ पे आप, मैं दिखा दूँ, कैमरे में चलते हैं माइक्रोस्कोप में। और गाइस, ये जो हमारी ये वाली कॉइल लगी हुई है, बूस्ट कॉइल, ये जो बूस्ट कॉइल है, यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ इस आईसी तक नहीं पहुँच रही। मतलब इस डायोड के इस कोने पे हमें जो सप्लाई वो नहीं मिल रही थी। तो गाइस, मैं क्या इसमें दिखा दूँ आपको, मैंने ये जो कॉइल है वो निकाल रखी है। अब गाइस, मैं क्या करूँगा इसमें, एक बार चेक करूँगा, चेक क्या, मैं यहाँ पे एक बार बीप मोड में रख लेता हूँ, और आपको जो कोयल है हमारी, उस कोयल को एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो कोयल है सही है या नहीं। तो गाइस, ये जो कोयल है हमारी, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखें, इस कोयल में कोई भी बीप वगैरह नहीं है। मतलब ये कोयल हमारी काम कर ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं आप कि ये जो कोयल है, कोई भी, वैसे आपको बीप सुनने को मिल रहा होगा जब मैं इन दोनों को टच करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही मैं देखो, कोयल है तो हमारी यहाँ पे बीप आनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कोयल है, इसकी जगह हम दूसरी कोयल इस बोर्ड में लगाएंगे। तो गाइस, ये कोयल आप किसी भी बोर्ड से लगा सकते हैं, बस कोशिश करें। तो गाइस, ये जो कोयल है, हम कोई सी भी कहीं से भी निकाल के लगा सकते हैं, बस लाइट सेक्शन की होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोयल तो कोयल का पोस्ट कोयल है जो हमारी, किसी भी फ़ोन के लाइट सेक्शन से। जैसे ये MI का फ़ोन है मेरे पास एक, तो इसमें आप देखें, ये जो यहाँ पे हमारी बूस्ट कॉइल है, ये मैं निकाल रहा हूँ इसमें से, और एक बार जो हमारी ये बूस्ट कॉइल है, ये मैं उसमें लगा के फिर चेक करता हूँ कि हमारी जो लाइट की प्रॉब्लम है फ़ोन में, वो सॉल्व होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ये तो आया हमसे तो लिया है तेरा। तो गाइस, इसमें हम ये वाली कॉइल जो है हमारी, मेरा नहीं है। ये जो कोयल है हमारी, इसमें हम सोल्ड कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइट सेक्शन में ये कोयल गई से, बी वैट की लाइन जो हमारी आती है यहाँ तक, तो इसका काम है जो हमारी लाइन की सप्लाई है वो यहाँ तक एक्यूरेट पहुँचनी चाहिए। मतलब जो भी बूस्ट करती है कोयल, जो भी इसके पास आता है यहाँ पे वोल्टेज, उस वोल्टेज को बूस्ट करके आगे भेजती है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने इस कॉइल को जो है पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, इसे चेक करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं बोर्ड को, और उसके बाद हम फोन को आपको भी चेक कराएंगे कि जो लाइट की समस्या थी हमारे फोन में, वो सॉल्व होती है या नहीं। गाइस, कुछ फोन क्या होता है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, तो कुछ फोन होगा, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको भी पता लगना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए, जो वीडियो है, कुछ ट्रिक्स वगैरह जो हैं आपको देने के लिए, ये वीडियो बनाते हैं हम। तो गाइस, ये थोड़ा सा बोर्ड हमारा ठंडा होने देते हैं, तो मैं जब तक इसमें रख लेता हूँ। गाइस, ये ध्यान रखें आप ये बात कि किसी भी फ़ोन में
अगर फोन हमारा बोर्ड गर्म है तो उसमें डायरेक्ट बैटरी आप ना लगा दें, क्योंकि अगर आपने बैटरी डायरेक्ट लगा दी तो हमारे जो कैपेसिटर वगैरह हैं वो पहले से ही हीट होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप कोई भी आईसी हो, मतलब कोई भी बोर्ड हो, जब तक वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक उसमें आप कोई भी वोल्टेज वगैरह इंसर्ट ना करें, ना चार्जर ना फिर बैटरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा फ़ोन ठंडा हो जाता है। अब गाइस देखते हैं एक बार, फ़ोन हमारा नॉर्मली हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब एक बार हम बैटरी इंसर्ट करते हैं और चार्जर लगाते हैं इसमें, क्योंकि गाइस इसका ऑन ऑफ तो इस पे है नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार कि हमारी जो लाइट है, फ्रेंड्स इसमें देखना है एलसीडी लाइट। तो गाइस यहाँ पे देखें आप, ये हमारा जो पॉजिटिव एलईडी ए वाला जो एरिया है हमारा, इन सब पे मुझे क्या है, मतलब बीप साउंड शो हो रहा है। मैं आपको चेक करा दूँ, आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी गाइस। यहाँ पे मैं कैमरे पे चलता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं एक ग्राउंड कर लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, एक ग्राउंड है और एक आप देखें ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बीप साउंड देखने को मिल रहा है, मतलब ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं ये सारे कैप, तो गाइस ये शॉर्टिंग क्यों दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक बार हम इसमें अपना रोजन पेस्ट लगाएंगे और डीसी से देखते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ भाई बता। तो फ्रेंड्स एक बार हम इस पे क्या करेंगे, रोजन पेस्ट का यूज करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने रोजन पेस्ट लगा लिया है सारे में, अब हम इसमें एक वोल्टेज देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्टेज हम क्या देने वाले हैं मैं आपको बता दूँ, ये हमारी 3.7 वोल्ट की लाइन है। तो गाइस इसमें हम चार वोल्ट 5 एम्पियर तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम डायोड के जो सिरा है इस पे दे के देखेंगे एक बार और देखते हैं कौन सा हमारा मेल्ट होता है। अभी हमें पता लग जाएगा। तो गाइस आपने देखा ये जो था हमारा ये मेल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये अपना क्या है यहाँ पे, एक बार इसको लगा लेते हैं। और जो हमारा गाइस ये है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। जो हमारा ये लाइट वाली कोयल है गाइस, ये जैसे कि मैंने बताया वो हमारी जो कोयल थी वो तो गाइस ख़राब थी थी, बट ये वाली जो कोयल है हमारी ये मैंने सही लगाई है। और ये जो कोयल है तो गाइस ये कोयल तो हम जो कि तो अपनी लगा देंगे, मतलब हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस कोयल में। और जो हमारा ये वाला कैप है एक बार हम इसे निकाल के चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो जाती है या नहीं। और उसके बाद अपनी लाइट चेक करेंगे। तो गाइस ये जो कैप है हमारा इसे मैं निकाल देता हूँ। इस कोयल कैप को मैंने निकाल दिया है। अब एक बार गाइस मैं बोर्ड को थोड़ा साइड कर देता हूँ और इस कैप को चेक करेंगे कि ये सच में शॉर्ट है या बोर्ड में लगने के बाद शॉर्ट शो कर रहा है। तो चेक करते हैं। तो गाइस आपने देखा
ये वाला जो कैप है हमारा ये शॉर्टिंग है। और अब हम एक बार बोर्ड को चेक कर लेते हैं, इस कैप को साइड करते हैं और बोर्ड को एक बार थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा कैप है एक बार चेक करते हैं कि अब जो हमारा यहाँ पे, अब गाइस देखें आप, मैं यहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो शॉर्टिंग थी वो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा माइनस है ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो गाइस ये जो एक छोटा सा हमारा जो कैप था ये शॉर्ट होने की वजह से हमारे फ़ोन में कुछ वोल्टेजेस वगैरह बन नहीं रहे थे और जो हमारी एक कोयल भी थी यहाँ पे बूस्ट कोयल वो भी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बूस्ट कोयल एक तो चेंज की है और एक हमारा जो कैप है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो गाइस अब हम चेक करेंगे इस फ़ोन में जो हमारी लाइट की समस्या है वो सॉल्व होती है या फिर नहीं। थोड़ा सा फ़ोन को ठंडा हो जाने देते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट लेकिन आपको ये बहुत कुछ मैंने बताया है जो आपको प्रैक्टिकली बताया है। कोई भी वीडियो गाइस मैं इस तरह नहीं बनाता जो कोई भी कहे कि फेक है या कुछ, मैं जो भी बनाता हूँ गाइस जितना मुझे पता है मैं उतना बना रहा हूँ और जितना मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, जो जो मेरे समझ में आता है वो गाइस मैं सब कुछ बताता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। अब गाइस इसमें चार्जर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है लाइट की वो सॉल्व हुई या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देखें कि इसमें अगर आपको दिख रहा हो, मैं एक बार कैमरे पर आ जाता हूँ दूसरे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देखें हमारे जो फ़ोन में लाइट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब गाइस मैं आपको दिखा दूँ इसके पीछे का व्यू भी। ये जो गाइस कैप मैंने निकाला था यहाँ पे जो आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखा होगा, तो गाइस इस कैप की वजह से हमारे पूरे फ़ोन में शॉर्टिंग शो कर रहा था, मतलब जो लाइट सेक्शन है पूरा लाइट सेक्शन शॉर्ट था हमारा। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो चुकी है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।